कच्चू का रूम ऐसा होना चाहिए जिसके कोने कोने में वो एंजॉय कर सके। रूम में बहुत सारे ब्राइट कलर्स हों जो उन्हें जॉयफुल फील करा सके एंड उन्हें रिलैक्स फील हो, एंड बहुत सारे नए नए आइडियाज एंड थॉट्स जनरेट हों उनके माइंड में। तो ऐसा रिलैक्सिंग प्लेस होना चाहिए बच्चों के रूम का। और बात हो अगर रेंटेड अपार्टमेंट की, जहाँ पर हम ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते या फिर कुछ पेंटिंग वगैरह नहीं करा सकते, तो क्या करें, तो इसीलिए मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेकर के आई हूँ स्पेशली किड्स रूम मेकओवर का, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से अनका का रूम मेकओवर किया। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक लोएस्ट बजट किड्स रूम मेकओवर है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हैप्पी मम्मी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करिए हमारे चैनल से जुड़े सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। हाय, प्लीज वेलकम। तो ये है अनिका का रूम। वेट, लाइट ऑन करने दीजिए। एंड तो आइए अब रूम में एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही आपको दिखेगा कुछ इस तरह का एरिया, एंड ये है मेन डोर। डोर से ही लगा हुआ साथ में अनिका का वॉशरूम भी है। यहाँ से ये वॉशरूम है और मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये अनिका का वॉशरूम है। इसका जो टूर होगा मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी, बिकॉज अभी वॉशरूम बहुत मेसी हो रखा है। यहाँ पर एक बाथरूम मैट डली हुई है, साइड में रखी हुई है पॉट एंड प्लांट दिया हुआ आर्टिफिशियल। ये दोनों ही मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन आपको ये अमेज़न में मिल जाएगा। इसके साथ में ही दिया हुआ है ये ऑर्गेनाइजर मैंने रखा है, उसके ऊपर मैंने अनिका का ये बास्केट रखा हुआ, जिससे मैंने अनिका के बुक्स और स्टडी मटीरियल्स वगैरह रखे हुए हैं एंड उसकी बुक्स रखी हुई हैं जो आजकल वो पढ़ती है, इन्जॉय करती है, एंड उसका फेवरेट सिम्बा रखा हुआ है यहाँ पर। ये डेली लॉयन है एंड ये ऑर्गेनाइजर है, ये नीलकमल से मैंने लिया हुआ है। ये ऑनलाइन अमेजोन पे भी आपको मिलेगा। तो इसमें मैंने रखे हैं अनिका के टॉयज, एक्सेसरीज, कलर्स, स्केच पेन्स, जितने भी टॉयज है उसके डिफरेंट कैटेगरीज बना करके रखी है। लाइक इस तरह के आप देख रहे हो बार टॉयज एंड मल्टी कलर टॉयज जो है प्लास्टिक मेड, वो यहाँ रखे हुए हैं। और इसी तरीके से नीचे की दो कैटेगरीज भी डिवाइडेड की हुई हैं। इसके साथ में ये है वार्डरोब। ये वार्डरोब हमें पहले से मिली थी अपार्टमेंट में, हमने परचेज नहीं करी है। इस वार्डरोब में मिले हैं हमें तीन पैनल, एक ड्रेसर है, एक मेन वार्डरोब है और दो ड्रॉर्स मिले हुए हैं। इस ड्रेसर में हमने अनिका के लिए बहुत सारे स्टफ रखे, उसके सारी टॉयलेटरीज, डायपर एंड एक्सेसरीज। हमने भी अपनी एक्सेसरीज अभी फिलहाल यहाँ रख रखी क्योंकि हम इसी रूम में शिफ्ट हो गए, हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं। एंड नीचे अनिका का भी बैग है, हमारे वॉलेट्स वगैरह रखे हैं। इसके बाद नीचे जो ड्रॉर्स हैं इसमें कुछ टॉयलेटरीज है मेरी एंड खाने पीने की चीज़ें मैंने रखी हैं, इमरजेंसी वाले स्टफ। एंड नाउ ये मेन वार्डरोब है, आपने ऑलरेडी अनिका के वार्डरोब टूर में देखा हुआ है। मैंने दोनों सीजन के वार्डरोब टूर आपके साथ में शेयर करे हैं, लिंक दे दूंगी। तो इस तरीके से अनिका का ये वार्डरोब मैंने जमा के रखा है। नीचे कुछ मैंने मेरे कपड़े भी रख रखे हैं क्योंकि मैं यहीं रह रही हूँ अभी इसके रूम में। तो ये बहुत ही प्यारा सा म्यूजिकल हैंगिंग है। एंड नाउ यहाँ पर फ्लोर मैट आपने देख रखी है, मैंने बिछाई है। एंड इधर प्लश मैट मैंने बिछाई है अनिका के लिए, बहुत ही कोजी सी कंफर्टेबल है। ये मैंने शीन से ली थी बट ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगी। और ये है वो कॉर्नर जो मैंने स्पेशली अनिका को ध्यान में रखते हुए बनाया था, उसकी फेवरेट चीज़ों को इंक्लूड किया है इस कॉर्नर में मैंने। ये सारे स्टफ आपको अमेजोन पे एंड फर्स्ट क्राई पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है उसकी बेड टाइम स्टोरी बुक्स एंड फ्रेम, उसका फेवरेट है ये मेरा अनिका का। और यहाँ नीचे कुछ टॉयज हैं, उसका फेवरेट मंकी टेडी है एंड मंकी सीट है यहाँ पर रखी हुई है। ये मंकी सीट मैंने firstcry.com से ली थी, ये बहुत कंफर्टेबल है। अनिका यहाँ बैठ करके बहुत इंजॉय करती है, टॉयज खेलती है, बुक्स पढ़ती है एंड बहुत एंटरटेन होती है। ना इधर देख रहे हो ये वाली वॉल, ये मैंने वॉल स्टिकर लगाया है, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि ये वॉल डैमेज हो गई थी, इसलिए मैंने इस पे स्टिकर लगा दिया है। ये स्टिकर मैंने अमेजोन से लिया है और आप हमारे अमेजोन हॉल में इस स्टिकर का रिव्यू देख सकते हैं। ना इस तरीके से ये ओवरलुक है रूम का एंड यहाँ पर ये कर्टन है और एसी लगा हुआ है इस वॉल पे, आप देख सकते हो। इसी के पास में ही ये बेड है एंड यहाँ पर मैंने विंडो साइड में कुछ कुशन्स एंड पिलोज रखी हैं, अनिका टेडी रखे हैं जहाँ वो बैठना पसंद करती है। इस कॉर्नर में उसे बैठना बहुत पसंद है, खेलना पसंद है, जंप करना पसंद है। ये टेडी एंड मैंने लिया था firstcry.com से। ना ये जो आउल कुशन आप देख रहे हो रिसेंटली मैंने अमेजोन से परचेज किया है एंड बहुत सारी चीज़ें मेरे पास पहले से थी जो मैंने कलरफुल चीज़ें थी उन्हें अरेंज कर दिया है एक जगह पर और ये बहुत कूल सा अच्छा लसा लग रहा है। विंडो से काफ़ी अच्छी लाइट आती है रूम में एंड बहुत सुंदर लगता है। इसके पीछे ही एक वॉल है बेड के पीछे जो मैंने फेरी लाइट से डेकोरेट करी और कुछ फ्रेम्स लगाए हैं। एंड इस साइड में मैंने कर्टन के साइड में एक लीफ वेल लगा रखी है, आर्टिफिशियल वेल है ये। ना इधर आप देख सकते हो कर्टन होल्डर मैंने लगाया है, ये पांडा कर्टन होल्डर है, ये मैंने हैमलेस से लिया था, बहुत क्यूट लगता है। एंड ये जो व्हाइट कलर के कर्टन ले रहे देख रहे हो आप, ये मैंने अमेजोन से लिया है, स्टोरी एट होम से है, बाकी सारे कर्टन हमारे पुराने हैं।
तो कुछ DIY से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर, एंड ये फ्रेम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो बहुत प्यारे लगे। स्पेशली अनिका को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फ्रेम्स मंगवाए थे, कोट्स मंगवाई थी ना। ये जो ब्रिक वाली वॉल है आप देख रहे हो, इस पे अनिका की हमने बहुत बड़ी सी फ़ोटो लगा रखी है, बहुत बड़ा फ्रेम है। एंड ये फ्रेम बेसिकली हमारा मैरिज फ़ोटो फ्रेम था, लेकिन हमने उसमें अनिका की फ़ोटो शिफ्ट करवा दी, बिकॉज़ ये ज़्यादा हमें प्यारा लग रहा था। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो छोटा सा पॉट है, ये पॉट हमने, फ्लावर पॉट हमने लिया था होम टाउन से। इस तरीके की ये पूरी वॉल है, ये बेड है, एंड ये बेड हमने रिसेंटली नीलकमल से परचेज किया है। ये सेम बेड आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, साथ में हमने मैट्रेस भी ली है। ये मैट्रेस हमने वेट फिट से ली है, मैट्रेस काफ़ी अच्छी, रिव्यू जल्दी शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो बेड के पीछे वाली वॉल का कुछ ऐसा व्यू है। प्लेन बेडशीट हमने डाल के रखी है, ब्राइट कलर येलो कलर की हमने बेडशीट डाली है, प्रिंटेड नहीं रखा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स हमें रूम में मिल गए थे। नाउ आप देख सकते हो कि बेड के साइड में ही एक ये बॉक्स रखा हुआ है, स्टोरेज बॉक्स है, जिसके ऊपर अनिका का टेडी रखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक स्टोरेज बॉक्स है जो काफ़ी पहले मैंने परचेज किया था। इसमें मैंने अनिका के जो छोटे छोटे टेडीज वगैरह होते हैं ना, यहाँ वहाँ रखो तो गंदे होते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो काफ़ी सेफ रहते हैं टेडीज वगैरह, इसके अंदर रखो तो, टॉयज रखो या फिर आप कुछ भी और रखना चाहो तो रख सकते हो। ये मैंने firstcry.com से लिया था, बट ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, बहुत रीजनेबल था, 500 rupees का था ये। ना उसके साथ ही मैं ये रखी हुई है अनिका की टेबल, ये बेसिकली अनिका की हाई चेयर थी जिसे मैंने टेबल चेयर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर अनिका बैठ के खाती है, खेलती है, पढ़ती है, जो भी उसका मन होता है वो यहाँ पर करती है। और ये टेबल चेयर बेसिकली शिफ्ट होती रहती है पूरे घर में हर जगह। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके का ये पूरा लुक है। बेड के पास में एक फुटप्रिंट वाली मैट है जो मैंने अमेजोन से ही परचेज करी थी। तो ये था अनिका का पूरा रूम टूर। कैसा लगा आपको ये अनिका का छोटा सा रूम टूर? एंड आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा कि कितने कम बजट में हमने अनिका का कितना सिंपल सा रूम इस तरीके से चेंज कर दिया। एंड बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि ये सेम रूम है, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो चुका है एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो किसी भी तरीके के आप रेंटेड रूम, रेंटेड अपार्टमेंट में आप चेंजेस कर सकते हो और उसे ब्यूटीफुल बना सकते हो। और अगर आप अपने बच्चों का रूम बनाना चाह रहे हो ना, एक अच्छा सा स्पेशल स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हो अपने बच्चों के लिए खेलने कूदने एंड अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, सो डेफिनेटली आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएंगे। Wow, Anika, are you happy with this makeover? Yes. You love this room? You like this room? No, baby. So guys, this is it. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम व्यू आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक जरूर करिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये टॉय स्टोरी सीरीज आपको कैसी लग रही ये बताना मैं मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड स्टे हैप्पी एंड बाय।